हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं अभी फिर से नई रेसिपी के साथ। तो दोस्तों, आज की रेसिपी है मटन चुस्ता और कलेजी, और जो कि मैंने इसे अपने स्टाइल में बनाया है और बहुत ही बेहतरीन बनता है ये स्टाइल से, और इसे इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। तो आइए आज हम चुस्ता कलेजी बनाते हैं, जो कि बहुत ही पॉपुलर डिश है और इसे आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। चाहे तो आप रोटी, चाहे तो चावल, ये आपके ऊपर है। और ये देखिए, आपको दिख ही रहा होगा काफ़ी अच्छा बन चुका है और काफ़ी ज़्यादा रोगन भी छोड़ा है दोस्तों। तो आइए आज मेरे स्टाइल में चुस्ता और कलेजी बनाते हैं। तो दोस्तों, चुस्ता कलेजी के लिए सबसे पहले चुस्ता और कलेजी को साफ कर लेंगे। ये हमारा मटन का चुस्ता है और कलेजी भी मटन का है, तो इसे मैंने अच्छे तरीके से साफ कर लिया है। तो आइए इसे 5 सीटी हम लगा लेते हैं, ताकि हमारा चुस्ता और कलेजी दोनों गल जाए, क्योंकि हमें गलाना बहुत ज़रूरी है। और इसे अगर आप नॉर्मल वे में गलाना चाहते हैं तो कढ़ाई में तो गला सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि जल्दी बन जाए तो बस जस्ट इसे कुकर में डाल दीजिए हल्की सी नमक के साथ और हल्की सी पानी के साथ, ताकि ये जल्दी गल जाए। तो आइए मैं इसे जल्दी गलाऊँगा कुकर में। दोस्तों, हमारा इधर 5 सीटी लग चुका है, इसे हम कुकर को बंद कर दिए हैं, प्रेशर में उसे छोड़ देंगे। तो इधर मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, उसमें हल्की सी तेल डाल दिया है। तो आइए अब हम इसमें हल्की सी जीरा और हींग और प्याज और मिर्चा डालेंगे। तो मैं इसमें 1 पिंच के आसपास हींग डाल दिया है, अब हम इसमें जीरा डाल देते हैं। तो दोस्तों, जीरा डालने के बाद मैं इसमें, ये देखिए हमने यहाँ 5 हरी मिर्च को पतले पतले काट लिया है और यहाँ 2 मीडियम साइज के प्याज को चॉप कर लिया है। तो आइए अब इसे भी हम डाल देते हैं, और डालने के बाद प्याज और मिर्च को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो दोस्तों, जब हमारा प्याज और मिर्च हल्की सी गोल्डन ब्राउन होने लगा, तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और इसे हम पका लेते हैं। जब ये पक जाएगा तो हम इसमें जो हमारा चुस्ता और कलेजी है उसे हम इसमें फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारा फेफड़ा और कलेजी जो कि अच्छा से गल चुका है, और ये पानी है जो कि बचा था इसको उबालते समय निकला है, तो इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसे यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमारा उसी पानी में बहुत सारा प्रोटीन है। तो आइए इसे अब हम इस टाइम डाल देते हैं और इसे हम फ्राई कर लेंगे, मीन्स हमारा जो फेफड़ा और कलेजी है उसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई जब होने लगेगा तो मैं इसमें, मीन्स 5 मिनट के बाद हम इसमें टमाटर डालने के बाद मसाले डालेंगे। 5 मिनट बाद ये देखिए हमारा अच्छा से पक चुका है, मीन्स फ्राई हो चुका है प्याज के साथ। तो अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज टमाटर कटा हुआ डाल देता हूँ, और टमाटर डालने के बाद हम तुरंत इसमें मसाले डालेंगे। तो मसाले में हमारे पास दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने धनिया पाउडर लिया है जो कि 1 टीस्पून है, और 1/2 टीस्पून हमारे पास लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 टीस्पून से हल्की सी कम हमारे पास हल्दी पाउडर है, और यहाँ 2 पिंच मैंने गरम मसाला और 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर लिया है, और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक अभी डाल लेते हैं, और उसके बाद हम इसे जो मसाला है उसे पकाएंगे। तो आई थिंक 5 मिनट में हमारा मसाला भी पक जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। फिर जो हमारा पानी बच, जो कुकर में हमने डाला था जो पानी बचा है जो चुस्ता और कलेजी का, तो मसाले बनने के बाद हम 5 मिनट बाद हम उस पानी को भी यूज़ कर लेंगे, इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, हमारा 5 मिनट हो चुका है, और देखिए चुस्ता और कलेजी कितना बेहतरीन बन चुका है। तो आप चाहें तो इस टाइम पे भी आप निकाल कर खा सकते हैं। और मेरा यहाँ ग्रेवी, मीन्स जो हमने उबाला था, वो पानी बच चुका है और उसी पानी में हमारा प्रोटीन है, तो मैं इसे वेस्ट ना करके मैं इसे डाल दूंगा और ग्रेवी वाला बना दूंगा दोस्तों। तो आइए इसे अब हम पका लेते हैं और कुछ ग्रेवी को सुखा लेते हैं, और जब सूख जाएगी तो इसमें हम धनिया पत्ती डालकर और फिर हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए हमारा जो चुस्ता और कलेजी है ये अप्रोक्स बन चुका है, और इसका ग्रेवी भी सूख गया है, जितना सूखना था मैं इतना चलेगा,
तो आइए इसे अब हम डिस आउट कर लेते हैं। मैंने इसमें ऑलरेडी धनिया पत्ती डाल चुका हूँ, तो आइए इसे डिस आउट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मैंने डिस आउट कर लिया है और काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है हमारा चुस्ता कलेजी। तो आइए आज इस स्टाइल में हम मेरे स्टाइल में बनाते हैं चुस्ता कलेजी। मैं तो चला खाने, आप इसे बनाइए। अब बना के मुझे कमेंट में कीजिए कि लिखिए कि हमारा चुस्ता कलेजी की रेसिपी आपको कैसा लगा। तो दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इसे ज़रूर बनाइए, बना के लोगों को खाइए और खिलाइए। तो दोस्तों मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।